पेट्रोल और डीजल को भी जहां तक हो सकेगा सस्ता करने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान, जवान और नौजवान के बारे में सोचती है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों में जिताने का काम आप लोग करेंगे। पार में बोले अखिलेश यादव, इस बार धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। गोरखपुर खंजनी विधानसभा के मलहनपार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग किसानों और नौजवानों की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 11 लाख नौकरियां जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, साथ साथ युवाओं और नौजवानों को रोजगार देने का भी काम किया जाएगा, नए कारखाने खोले जाएंगे, 2013 में जो पुलिस की भर्ती रुकी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जो शिक्षा मित्र के लोग हैं उनको भी समायोजित करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जो खाद की किल्लत है उसको भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, और पूरे 50 किलो इस सरकार ने 5 किलो घटाकर 45 किलो किया गया उसको भी फिर से 50 किलो किया जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बताओ, खाता तो नहीं खोल दोगे? इतने दिनों से, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। अब मिल गया मौका, इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल दुख तकलीफ परेशानी दी हो, संकट में डाला हो, जिन्होंने जिल्लत दी हो और हर चीज की किल्लत की हो, बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और जरा सोचिए इनके बारे में। कहने को तो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बताओ है कि नहीं झूठी पार्टी? इन्होंने कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, 5 साल में किस फसल की आपकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी फसल की कीमत मिली हो तो बता दो, और जब धान बेचने गए तो बताओ धान में आपकी लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद नहीं मिली, और जब घर आए तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो देख लेना, अभी तो 5 किलो चुरा रहे हैं, अगली बार 10 किलो निकाल लेंगे। सावधान हो कि नहीं हो? और डीएपी नहीं दे पाए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। बताओ बिजली का बिल महंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता है? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।